आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम मोहन रॉय के बारे में। आज ही के दिन वर्ष 1833 में महान विद्वान, सुधारक, देशभक्त, पथ प्रदर्शक, धार्मिक समरसता के प्रणेता और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन रॉय ने अंतिम सांस ली। बचपन से ही उन्होंने अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। वे हिमालय में घूमते रहे और तिब्बत चले गए। वे कई जगह गए और इस दौरान प्राप्त अनुभवों ने उन्हें व्यापक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने अंग्रेजी, विज्ञान, पश्चिमी चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के अध्ययन की हिमायत की। 1814 में राजा राममोहन रॉय ने सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने के लिए आत्मीय सभा का गठन किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार सहित महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। 1828 में राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो देश के पहले सामाजिक धार्मिक सुधार संगठनों में से एक था। नित्य निरंजन निखिल कारण प्रभु विश्व निकेतन विकार विहीन काम क्रोधहीन विकार विहीन काम क्रोधहीन निर्विशेष सनातन। ये राजा राममोहन रॉय ही थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। राजा राममोहन रॉय को मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी और उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड भेजा था। वो 1833 में इंग्लैंड गए। ब्रिस्टल पहुंचने के 10 दिन बाद राजा राममोहन रॉय बीमार पड़ गए। उन्हें मेनिनजाइटिस हुआ था। 27 सितंबर 1833 को इस महान समाज सुधारक ने अंतिम सांस ली।